यस, डार्क और ब्लैक मैन रिएक्शन जिसे कि फिक्सेशन एंड रिडक्शन ऑफ CO2 कहते हैं, उसका एसिमिलेशन पाथवे है, ये तीन तरीके से या थ्री प्रोसेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज अ केल्विन वेंसन साइकिल, रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल, इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल भी इसे कहते हैं, और ये C3 प्लांट्स में होती है। सेकेंड इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जो कि C4 प्लांट्स में कन्वर्ज होने का तरीका है, C4 प्लांट में कंप्लीट होती है। नाउ थर्ड इज जो कि सक्यूलेंट प्लांट्स में होती है, मांसल पादपों में होती है, इज ए क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। वी डिस्कस फर्स्ट केल्विन बेंसन साइकिल। केल्विन बेंसन साइकिल को सबसे डिस्कवर किया था केल्विन और बेंसन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1948 में डिस्कवर किया। इसके अलावा और भी कई साइंटिस्ट हैं जिनका इसमें बहुत योगदान है, जैसे कि फेगर एटल ने 1950 में, एंड मैनी अदर साइंटिस्ट। बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है केल्विन एंड बेंसन साइकिल इज अ अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ केल्विन एंड बेंसन, डिस्कवर्ड बाय द केल्विन एंड बेंसन। तो जो केल्विन एंड बेंसन जो साइकिल है, इट अकर मैनी स्टेप्स, कई स्टेप में कंप्लीट होती है। इट कंसिस्ट फॉलोइंग स्टेप, जिसमें सबसे पहली जो स्टेप है वो है कार्बोक्सिलेशन एंड फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में CO2। इस स्टेप के अंदर जो CO2 है उसका कार्बोक्सिलेशन एंड फिक्सेशन होगा। तो केल्विन बेंसन साइकिल की जो स्टार्टिंग होती है, जो इसका प्रिकर्सर है, वो है RUMP, रेबुलोज मोनोफॉस्फेट। रेबुलोज मोनोफॉस्फेट ATP को रिसीव करता है, और इस प्रोसेस में एट फर्स्ट जो काम आता है वो है फॉस्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम इसमें काम आता है। जो फॉस्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम है, फॉस्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रेबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से निकल के जो मोनोफॉस्फेट था उसमें एक और फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, तो रेबुलोज मोनोफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RUDP में कन्वर्ट हो जाएगा, रेबुलोज डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम RUBP या रेबुलोज बाइफॉस्फेट भी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म रेबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट और रेबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है। तो RUMP मीन्स रेबुलोज मोनोफॉस्फेट इज अ प्रेकर्सर ऑफ केल्विन साइकिल। इसका जो प्रारंभक है वो कौन है, रेबुलोज मोनोफॉस्फेट इसका प्रिकर्सर है। ओके, नाउ जो रेबुलोज मोनोफॉस्फेट से क्या बना, रेबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट बना है। रेबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट CO2 और H2O को रिसीव करेगा। रेबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट बना था, ये रेबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट CO2 प्लस H2O को रिसीव करके कार्बोक्सी न्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में और मैग्नीशियम प्लस आयन्स की प्रेजेंस में
3 फॉस्फोग्लिसिक एसिड फॉर्म करता है जिसे हम PGA कहते हैं। यहाँ PGA के 2 मोल बनते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप थी कैल्विन साइकिल की, जिसे हमने नाम दिया था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट स्टेप, द नेम ऑफ फर्स्ट स्टेप इज़ कार्बोक्सिलेशन और फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ जो CO2 को रिसीव करके किस फॉर्म में फिक्सेशन किया है, PGA के फॉर्म में इसने फिक्सेशन किया है। जो सेकेंड स्टेप आती है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही किसी प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, तो एट द स्टार्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस के आफ्टर 5 सेकंड बाद ही हम PGA की प्रेजेंस को उसमें देख सकते हैं। यानी जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में विद इन अ 5 सेकंड PGA का फॉर्मेशन हो जाता है और इसे हम प्लांट में स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। PGA इज़ अ ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्शन, दोनों में एंटर करता है। जो PGA यहाँ पर बना है, आगे जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होंगे, जो रिडक्शन वाले प्रोसेस होंगे, उन दोनों में ये एंटर करेगा। नाउ सेकेंड स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल इज़ रिडक्शन ऑफ फॉस्फोग्लिसिक एसिड, जो PGA बना है इसका रिडक्शन होगा। देन सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ फॉस्फोग्लिसिक एसिड। रिडक्शन होगा तो 3 फॉस्फोग्लिसिक एसिड NADPH2 के साथ और ATP के साथ कंबाइन होंगे। तो नाउ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या PGA कंबाइन विद NADPH2 एंड ATP। ATP और NADPH2 के साथ कंबाइन होंगे तो इनसे बनेगा ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। आई राइट हियर, क्या बनेगा? ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये जो ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनाया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड PGA से जो ग्लिसरेल्डिहाइड बनाया, जिसे हम कहेंगे GAP, यानी कि जो PGA था उसका कन्वर्जन हुआ है GAP में। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड NADPH2 और ATP के साथ रिड्यूस होकर ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस में जो एंजाइम काम करता है, रोल प्ले करता है, इज अ ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इज अ नेम ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम है ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। मिस ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट इंटू ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। नाउ सम पार्ट ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, इसे हम 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड भी कह सकते हैं, इस ट्रांसफॉर्म इनटू इट्स आइसोमर। अपने कुछ इसका संभावय है, आइसोमर है, उसमें इसका कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाता है। और ये आइसोमर है इसका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट, इज़ अ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट, जिसे DIHAP कहते हैं। और इसके अलावा 3-फॉस्फो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी कह सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम फॉस्फो ट्रायोज आइसोमेरेज। तो यहाँ फॉस्फो ट्रायोज आइसोमेरेज एंजाइम काम करेगा। ये जो फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज एंजाइम है, ये ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को किस में कन्वर्ट करेगा? ये कन्वर्ट करेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट में।
पे इसमें कन्वर्ट करेगा, जिसे हम DIHAP कहते हैं, डाई GIHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहते हैं। ओके नाउ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फो ट्रायोज आइसोमेरेज एंजाइम ने यहाँ अपना रोल प्ले किया। नाउ सेकेंड स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल कंप्लीटेड, थर्ड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोज। हेक्सोज का निर्माण, हेक्सोज शर्करा का निर्माण। तो यहाँ जैसा कि हमने पहले देखा ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट हमारा बना था और कुछ उसका आइसोमर भी कन्वर्ट हो गया था, तो ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट दोनों उसके आइसोमर और ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट दोनों आपस में कम्बाइंड होंगे और फ्रक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट बनाएंगे। तो ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट दोनों कंबाइंड होंगे, कंबाइंड होके बनाएंगे फ्रक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट। फ्रक्टोज इज अ हेक्सो शुगर, ऐसी शर्करा, ऐसा शुगर विच कैरी 6 कार्बन एटम, जिसमें 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, इज अ हेक्सो शुगर। यहाँ जो एंजाइम काम करेगा वो है एल्डोलेज। मीन्स एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट कम्बाइंड होके फ्रक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग द स्टेप ऑफ हेक्सोज फॉर्मेशन। अब ये फ्रक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट बना है हमारा, ये H2O मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में और फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में H2 और फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया। नाउ ये जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है ये फ्रक्टोज 1-फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन से फ्रक्टोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और फ्रक्टोज 1-फॉस्फेट से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। ओके ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट दोनों ने आपस में मिलकर एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट का फॉर्मेशन किया था। ये जो फ्रक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट है ये H2O और फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ही काम करेंगे और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा 1,6-डाई से, यानी इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया और वो एक ही फॉस्फेट ग्रुप रह गया जिसे फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्जन हुआ। अब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से भी क्या हुआ, जो
फ्रक्टोज 1-फॉस्फेट में आ गया, फ्रक्टोज 1-फॉस्फेट से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्जन हो गया। इफ ग्लूकोज 1-फॉस्फेट प्लस ATP, अगर ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो है ये ATP के साथ जुड़ जाए, ओके नाउ राइट हियर, यदि ग्लूकोज 1-फॉस्फेट कंबाइंड विद ATP, ATP से इसको एनर्जी मिलती, ATP के साथ जुड़ जाता है और जो एंजाइम है वो है ADP ग्लूकोज पाइरोफॉस्फोरिलेज। पाइरोफॉस्फोरिलेज तो ADP ग्लूकोज पाइरोफॉस्फोरिलेज एंजाइम है और ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है, ATP प्रेजेंट है, तो इससे बनेगा ADP ग्लूकोज प्लस PPI। PPI में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो है अगर ATP के साथ न जुड़ के UTP के साथ जुड़ता है, यहाँ इसे ATP न मिलके यहाँ इसको प्लस UTP मिलता है, मतलब एक रिएक्शन तो इसकी है, अगर UTP मिलता है तो ये जो एंजाइम काम करेगा वो है UDP ग्लूकोज पाइरोफॉस्फोराइलेज, यानी जो यहाँ पे ADP की जगह क्या आ जाएगा, UDP आ जाएगा, UDP। तो इस एंजाइम की प्रेजेंस में बनाएगा UDP ग्लूकोज प्लस PPI। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इससे रिलीज हो रहे हैं। नाउ ADP ग्लूकोज प्रोवाइड ग्लूकोज रेसिड्यू विच कंडेंस टू प्रोड्यूस स्टार्च। जो ADP ग्लूकोज जो है ये कंडेंस होके इसके जो रेसिड्यू की फॉर्म में स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं, बट स्टार्च इज नॉट अ स्टेबल, इट इज टेम्परेरी स्टोर्ड इनसाइड, जो स्टार्च की फॉर्म में स्टोरेज हो रही है टेम्परेरी हो रही है। द क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन इज ब्रोकन डाउन इंटू हेक्सोज फॉस्फेट और हेक्सोज फॉस्फेट, यानी जो जैसा कि मैंने कहा कि कंडेंस होकर स्टार्च बना रहा है, ये स्टार्च का स्टोरेज होता है टेम्परेरी होता है और ये ब्रॉक डाउन होके केल्विन साइकिल के अंदर या डार्क रिएक्शन के अंदर ये ब्रॉक डाउन होके हेक्सोज फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। किसके अकॉर्डिंग ये बात कही थी, एक साइंटिस्ट थे पेवी एट अल, PEAVY पेवी एट अल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि स्टार्च एक टेम्परेरी कंपाउंड है जो कि ब्रोकन होके टूट कर हेक्सोज फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। अगर हम बात करें कि विच इज़ द फर्स्ट स्टेबल कंपोनेंट ऑब्टेन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो कह सकते हैं द फर्स्ट स्टेबल शुगर विच कैन बी ऑब्टेन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज सुक्रोज, यानी प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले मिलने वाली जो स्थाई शर्करा है वो क्या है, सुक्रोज है। सुक्रोज इज द फर्स्ट स्टेबल शुगर विच मेक एज अ स्टेबल फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने थर्ड स्टेप में देखा कि फाइनली एक स्टेबल शुगर कंपोनेंट जो कि सुक्रोज के फॉर्म में था बन गया है। नाउ फोर्थ स्टेप ऑफ डार्क रिएक्शन इज विच इज वी कंटिन्यू इन द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में जो है चौथी स्टेज है रीजनरेशन ऑफ राइबुलेज
5 फॉस्फेट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, एज आई टोल्ड यू ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफ दिस साइकिल, के राइबुलोज मोनोफॉस्फेट से यह साइकिल स्टार्ट होती है। इट्स मीन राइबुलोज मोनोफॉस्फेट का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। अगर राइबुलोज मोनोफॉस्फेट प्रेजेंट नहीं होगा तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन राइबुलोज मोनोफॉस्फेट या राइबुलोज 5 फॉस्फेट प्रोड्यूस और रीजेनरेटेड, वापस ये बनता है और वहाँ ये रीजेनरेट होता है। ओके तो ये राइबुलोज नेक्स्ट स्टेप इज रीजेनरेशन ऑफ राइबुलोज 5 फॉस्फेट। रीजनरेशन ऑफ राइबुलोज 5 फॉस्फेट, राइबुलोज 5 फॉस्फेट की वापस से रीजनरेशन कैसे होती है, वापस से कैसे बनता है ये, तो इसके लिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ जो मेन एंजाइम रोल प्ले कर रहा है इज अ ट्रांसकीटोलेज। देन जो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट हमारा बना है ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट के साथ में, ये इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में जुड़ता है
और जुड़ के क्या बनाता है, सीडो हैप्टुलेज 17 डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। सीडो हैप्टुलेज 17 डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। नाउ ये जो हमारा सीडो हैप्टुलेज 17 डाइफॉस्फेट बना है, ये सीडो हैप्टुलेज 17 डाइफॉस्फेट बना है, ये फॉस्फेटेस एंजाइम की प्रेजेंस में एंड H2O की प्रेजेंस में सीडो हैप्टुलेज 7 फॉस्फेट फॉर्म करता है। सीडो हैप्टुलेज 7 फॉस्फेट, सीडो हैप्टुलेज 7 फॉस्फेट को या फॉर्म करता है, सही यू को फॉर्म करता है। ये जो सीडो हैप्टुलेज 7 फॉस्फेट बनता है, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ कंबाइंड होगा। किसके साथ कंबाइंड होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ ये कंबाइंड हुआ। और यहाँ जो एंजाइम काम करेगा वो है ट्रांस कीटोलेज। तो ट्रांस कीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में सीडो हैप्टुलेज 7 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दोनों मिलके बनाएंगे ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट। ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट और ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट के साथ में बनेगा राइबुलोज 5 फॉस्फेट और राइबुलोज 5 फॉस्फेट इज राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। राइबुलोज 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से हमें राइबुलोज मोनोफॉस्फेट वापस से मिल जाता है। यहाँ पर फिर एक एंजाइम काम करेगा फॉस्फोपेंटो आइसोमेरेज या फिर फॉस्फोपेंटो एपीमेरेज, यानी दोनों एंजाइम काम करेंगे फॉस्फोपेंटो आइसोमेरेज। ये जो कंपाउंड बने इसे मैं रिवर्स फॉर्म में लिख देती हूँ, या दो एंजाइम काम करेंगे भाई जो बन गए ना, इसके दो एंजाइम की प्रेजेंस में है लाइक दिस, दो एंजाइम की प्रेजेंस, विच वन टू एंजाइम, फॉस्फोपेंटो आइसोमेरेज और फॉस्फोपेंटो एपीमेरेज। ये तो एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो हमारा बना है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबुलोज मोनोफॉस्फेट, ये दोनों ही राइबुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। राइबुलोज 5 फॉस्फेट, राइबुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए राइबुलोज मोनोफॉस्फेट की रीजनरेशन हो जाती है, दोबारा राइबुलोज मोनोफॉस्फेट हमें मिल जाता है। इस पूरे प्रोसेस में अगर समरी आप लिखेंगे बुक में मिल जाएगी इजीली आपको, तो आप देखेंगे कि इसमें 18 ATP 12 NADPH2 इसमें फॉर्मेशन होते हैं, जिससे 791.4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, which is sufficient to add
686 किलो कैलोरी इन द सिंथेसिस ऑफ अ मोल ऑफ ग्लूकोज, जो कि जैसा कि हमें पता है कि जो प्रोसेस है इसमें जो एनर्जी बन रही है वो कहीं ज़्यादा है उस एनर्जी के अमाउंट जो कि हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करने के लिए होनी चाहिए। अ सिंथेसिस ऑफ अ सिंगल ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसिस करना है तो हमें रिक्वायर्ड होती है 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बट यहाँ कितना बन रहा है इस प्रोसेस में, 1280 बन रहे हैं और 12 NADPH2 बन रहे हैं, होल प्रोसेस साइक्लिक नॉन साइक्लिक और कैल्विन पूरा प्रोसेस में आप काउंट करेंगे तो इसमें जो एनर्जी की अमाउंट होगी वो है लगभग, एनर्जी की जो अमाउंट यहाँ बनी है वो कहीं ज़्यादा है जो कि है 791.4 किलो कैलोरी है और हमें रिक्वायर्ड है 686 किलो कैलोरी, तो कहीं ज़्यादा है। इस तरह से हमारी जो केल्विन बेंसन साइकिल है जो कि C3 प्लांट में पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, C3 प्लांट में वर्क करती है, वो कंप्लीट होती है। नाउ वी स्टार्ट C4 साइकिल इज कॉल्ड डाई कार्बोक्सिलिक पाथवे विच प्रेजेंट इन C4 प्लांट। ओके।